हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। ठाकुर जी सबसे पहले आरक्षण के पैरोकार थे, सबसे बड़े पैरोकार थे, आज उनकी जयंती पे आप लोगों ने आरक्षण को लेकर तेजस्वी जी ने बहुत कुछ ऐलान किया है, आंदोलन का ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह से स्वर्ण जाति को आरक्षण का ऐलान करने के बाद ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज और दूसरे समुदाय के लोग जिन्हें आरक्षण मिल रहा था वो खामोश हैं, तो ये खामोशी क्यों है? ये तो आपकी नज़रिया है, आप पत्रकार महोदय हैं कि उनकी खामोशी है। उनकी खामोशी को तो आपने देखा लेकिन उनकी व्याकुलता को नहीं देखा। दरअसल बात है कि आरक्षण का प्रखर योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को ही लोग मनुवादी और सामंती ताकत मिल करके जेल में डालने का काम किया था। अगर आज लालू प्रसाद यादव जी रहते तो जिस चेहरे को आप खामोश देख रहे थे उस चेहरे को खामोश नहीं देते। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय लालू यादव जी के जेल में रहने के बाद भी उनके सपूत जो उनके रग में उनके खून बहता है, उन्होंने ऐलान किया कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। और इस लड़ाई के बाद जो उनके चेहरे आप देखे, अगर चेहरे नहीं देख पाए होंगे तो फिर सर्वे करके आप देख लेंगे तो उनके चेहरे खिलखिला उठा कि नहीं कोई योद्धा आ गया लालू यादव जी को जेल जाने के बाद भी हमारी लड़ाई लड़ने के लिए। मैं भीड़ में बैठा हुआ था, संजोग से वही लोग थे बैठे हुए, उन्होंने कस के तालियां बजाई जब इन्होंने घोषणा किया कि हमारी आरक्षण आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। एक चीज बताएं कि जो लोग ओबीसी एससी एसटी के लोग जो आज खामोश हैं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है कहीं, क्या ये खामोशी कुछ ना कुछ कह रही है? दरअसल बात है कि ये खामोशी इसलिए है कि ये लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों को इन्होंने साथ दिया था उधर से वही लोग उसके नायक बन गए कि 10% आरक्षण इन्हें दे दिया जाए। आज वो ठगे हुए महसूस करके लेकिन फिर भी वो टकटकी देख रहे हैं आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की ओर, यही हमारा मात्र एक योद्धा है जो इस संकट को पार लगाएगा। ये खामोश नहीं रहेंगे, अंदर जो उनकी ज्वाला धधक रही है ये ज्वाला उनकी लंका को जलाने का काम करेगा। जो आरक्षण समाप्त करने की रणनीति बनाई गई, हमारे दल के नेता आदरणीय राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में जिस बारीकी से रखने का काम किया था, देश भी दम भर रहा है, देश भी दंग है, देश भी दम भर रहा है, देश भी दंग है। आप ये बताएं कि आरक्षण को लेकर जिस तरह से आरक्षण का, जिस तरह से स्वर्ण जाति के लिए आरक्षण का ऐलान किया गया, उसके बाद एक बड़ी जो जनसंख्या है 85% जो जनसंख्या है वो खामोश है, तो ये खामोशी क्यों है और ये खामोशी क्या कहती है? खामोशी जो है इंतजार कर रहा है नेतृत्व का, और अति पिछड़ा का जो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया 40% अति पिछड़ा को दिया जाए, और ये अति पिछड़ा टोटल अति पिछड़ा इंतजार कर रहा था कि हमारे नेता तेजस्वी यादव का मंच से, खुले मंच से जो कर्पूरी जयंती जी के जननायक कर्पूरी जयंती जी के जन्मदिन पर क्या हमारे नेता घोषणा करते हैं। ये लड़ाई का घोषणा इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि 40% आरक्षण जो है अति पिछड़ा को मिले, और हमारे नेता का जो भूख था, जो हमारे अति पिछड़ा भाइयों का इंतजार था, उसकी आवाज़ बनने का काम किए। और आने वाला समय में अति पिछड़ा जो है, जो स्वर्ण जातियों को जो आरक्षण दिया, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, हमारी भी अधिकार है, इस पूरे भारतवर्ष में हमारी भी अधिकार है, अति पिछड़ा का भी अधिकार है, आज तक वंचित रखा गया है, उसकी आवाज़ हमारे नेता तेजस्वी यादव ने आज जन नायक कर्पूरी जयंती जी के दिन पर जो घोषणा किया है, मैं उनका अति पिछड़ा के बेटा कहनाते हुए हार्दिक स्वागत करता हूं, और इसी तरह अति पिछड़ा का आवाज़ उठाएं और अति पिछड़ा सभी टोटल अति पिछड़ा आपके साथ है, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। तो क्या जो आंदोलन का तेजस्वी जी ने ऐलान किया है, क्या ये एक बड़ा मूवमेंट बन पाएगा? हाँ, बहुत बड़ा मूवमेंट बन रहा है। अति पिछड़ा लड़ने की ताकत नहीं रखता है, अति पिछड़ा साइलेंट रहता है। देखे होंगे पिछला चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जब आरएसएस के मुख्य
भागवत जी जो आरक्षण की बात बोली थी, टोटल अति पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित जो है चेयर करके वोट देने का काम किया जो हमारी सरकार बनी थी, उदाहरण है। और ये तो घोषणा कर चुके हैं, ये जो दे चुके हैं, जो हमारे आरक्षण को समाप्त कर चुके हैं, वो आने वाला समय जो है पार्लियामेंट चुनाव, संसद का जो चुनाव होने जा रही है, उसमें जो है आपको, आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगा ओबीसी अति पिछड़ा दलित महादलित कहाँ बैठा है, ये बताने की जरूरत। अति पिछड़ा तो सब जान रहे हैं कि हमारा नेता बस सब एक ही है बिहार में, वो है तेजस्वी यादव। आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है उसका सफाया हो जाएगा? एकदम सफाया, बिहार से तो सफाया है उनका, एक भी सीट आने वाली नहीं है, एक भी सीट उनकी नहीं आ रही है, ये भ्रमित में नहीं रहे। हमारी वोट हमारा राज तुम्हारा आज अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेड न्यूज ये बताएं कि अभी जो आज आरक्षण को लेकर तेजस्वी जी ने ऐलान किया है लड़ाई का, क्या आपको लगता है कि ये मूवमेंट का रूप ले पाएगा? निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने पिछले एक वर्ष पहले से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान बचाओ देश बचाओ, आरक्षण बचाओ देश बचाओ अभियान लगातार शुरुआत उन्होंने गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण की धरती से शुरुआत किया था, और वह लगातार एक वर्ष से भिन्न भिन्न जिलाओं में उनकी आवाज़ जा रहा है। और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 95 जयंती समारोह है, और इस जयंती समारोह के अवसर पर पूरे बिहार से 50,000 से अधिक लोग आज एकत्रित हुए थे। आज उन जयंती समारोह के अवसर पर भी आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने जो शंखनाद किया है आरक्षण के सवाल पर, वह निश्चित तौर पर एक बड़ा रूप लेगा। और बिहार ही नहीं, पूरे देश स्तर पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, यह अभियान लगातार चलता रहेगा। और निश्चित तौर पर जितना आबादी पिछड़ों की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वह आज भी नहीं मिला है। यह लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और नेता तेजस्वी यादव जी का है, और इस लड़ाई में पूरे बिहार और पूरे देश के पिछड़ा अति पिछड़ा दलित अकलियत अल्पसंख्यक सभी समाज के लोग का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। ये बताएं कि जिस तरह से आरक्षण का मोदी सरकार ने ऐलान किया, उसके बाद कहा जा रहा था कि आंदोलन होगा, लेकिन एक बड़ी खामोशी है, आपके नज़र में ये खामोशी क्या कहती है? कोई खामोशी नहीं है। अब आज भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह के अवसर पर हमारे नेता तेजस्वी जी ने शंखनाद किया है कि शीघ्र ही पूरे राज्य में आरक्षण के सवाल पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और यह आंदोलन चल रहा है, गरीबों के बीच में यह मैसेज चला गया है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम ठगे जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी है पूरे बिहार में और पूरे देश में। आज आरक्षण छिन्न की स्थिति में है, लेकिन बिहार नहीं पूरे देश में 90% पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग दलित अल्पसंख्यक के लोग एकजुट होकर के आपको मोदी और आरएसएस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने का काम किया है और करेंगे। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन्होंने वो आरक्षण को के सबसे बड़े पैरोकार थे, उन्होंने सबसे पहले आरक्षण लागू किया था, तो कर्पूरी ठाकुर जी। तो आप ये बताएं कि आज तमाम दल जो हैं कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती सब मना रहे हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी सचमुच में किनके हैं? कर्पूरी ठाकुर जननायक थे, और कर्पूरी ठाकुर जी की राह और विचारों पर आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने उसको पटल पर उतारने का काम किया। और आज जो भी नेता उनकी याद कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, सब ढोंगी हैं। और वह आज कर्पूरी ठाकुर जी चाहे जहां भी होंगे उनको आघात पहुंच रहा होगा कि ये ढोंगी लोग जो आज आरक्षण विरोधी थे, आज वो लोग उनको याद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को जन जन तक पहुँचाने का काम किए। यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो भाजपा सरकार जो सवर्णों का आरक्षण दिया है, आरक्षण में नियम है, संविधान में नियम है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं संविधान में संशोधन करूँगा। मेरा कहना है कि पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मैंने जनसंख्या पूरा देश में 85% है,
तो मेरा कहने का मतलब है जनगणना के जाति के जनगणना के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने बोले हैं कि इन्होंने 8 लाख रुपया तक छूट दिया है और 5 एकड़ जमीन का। ये बताइए 66,000 महीना कमाने वाला गरीब होता है। मैं गरीब का खिलाफ नहीं हूँ, मिलना चाहिए आरक्षण, लेकिन आरक्षण कहाँ मिल रहा है? और आरक्षण के साथ में संविधान के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है। और आरक्षण के नाम पर ये चुनावी समय है, ये चुनाव के चलते इन्होंने वोट के चलते नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी में स्वर्णों का आरक्षण दिया है। क्या क्या आपको लगता है कि ये जो OBC लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? हाँ, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उनको भी आरक्षण जब 15% वाले को 10% मिला तो 85% वाले को 90% मिलना चाहिए। आप आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं? आरक्षण के नाम पर केंद्र सरकार भारत के जनता के आँख में धूल झोंक रही है। इनका मनसा साफ नहीं है। इनको देना है तो रोजगार दें, कहीं नौकरी है नहीं, आरक्षण दे रहे हैं। हम ट्रेन में टिकट बढ़ा दें और सीट बढ़ाएं नहीं, ये काम ये कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं देश के जनता के साथ। लेकिन जिन्हें मिला है वो तो खुश है, क्या करें? अभी ST SC Act जो आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आया था, उस पर ही बैक कर गए अभी, तो उसके मलहम लगा रहे हैं कि उनको क्या, क्या क्या आपको लगता है कि ये जो दलित हैं, OBC के लोग हैं और पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी किया है सरकार ने? पूरे देश में गरीबों के साथ, दलितों के साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी किया है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि देश के जितने अरबपति उद्योगपति थे वो सारे यहाँ के पैसा लेकर के विदेश में भाग रहे हैं और भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि मैं काला धन लाऊंगा, लेकिन ये यहाँ के सफ़ेद धन को भेज रहे हैं। कहाँ इनके नेता बोल रहे हैं और जनता खामोश है, ऐसी क्या वजह? तो जनता लाचार है, उनको तो मौका 5 साल में एक बार मिलता है, जब चुनाव आता है वो अपने खामोशी के साथ उनको जवाब दे देंगे आने वाले 2019 के चुनाव में लोकसभा के। आप क्या सोचते हैं आरक्षण को? आरक्षण का तो सबसे पहले सरकार जब आई तो आरक्षण में छेड़छाड़, पहला छेड़छाड़ ये किए कि हम लोग आरक्षण जो है कि 50% जो भी आरक्षण मिलता था, जो तेज लड़का होता था वो 50% के ऊपर चला जाता था, जनरल कैटेगरी में जाता था, तो मेरा आरक्षण के ऊपर वो चला जाता था और आरक्षण में जो लोग थे वो आरक्षण में रह जाते थे। लेकिन अब ये नियम पहले छेड़छाड़ कर दिए कि आपको 50% के अंदर में रहना है और आपको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये इनको तीन प्रदेश में जो हार हुई है, जो नोटा में वोट गया है, उससे दुखी होकर स्वर्ण को दे दिए। स्वर्ण को देने का आप सभी लोगों को दीजिए। आप कहीं 2.5 लाख में आपका इनकम टैक्स पे ही हो रहे हैं लोग, आप 8 लाख दे रहे हैं, 65,000 वाले लोग को आरक्षण मिलना चाहिए क्या? आपको आरक्षण, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने, उन्होंने कहा था कि आरक्षण देना है उस गरीब को, तो जो अति पिछड़ा हो अनुसूचित जाति का लोग है उनको भी तो आरक्षण दो। हर जब गाय का हम लोग आप अति करते हैं। ये बताएं कि जो सरकार ने आरक्षण दिया, क्या ये दलित समुदाय, देश के जो SC ST के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं और फिर OBC के लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी है? 100% नाइंसाफ़ी है। जो व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में 15 से 16% उनकी आबादी है, 10% दे दिए आप, तो पहले ही से 90% तो लोग है ही हैं हर जगह, जॉब में, हर चीज़ में वो आगे हैं, तो 100% वो दे दिए, उन्हीं को दे दिए, तो गरीब मरेगा ही, गरीब कहाँ, आप नौकरी दे ही नहीं रहे हैं। इसमें जो अभी स्वर्णों को 10% आरक्षण दी गई है, ये स्वर्णों के मत को ठगने का काम किया जा रहा है। ये आरक्षण से स्वर्ण गरीब का भला नहीं होने जा रहा है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान के मुताबिक 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है, तो जब यह ग्राफ पार ही कर रहा है, तो सभी जातीय गणना के हिसाब से जिसका जितने हिस्से, तो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये बताएं कि, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका भला नहीं होगा, लेकिन वो लोग तो खुश हैं जिन्हें आरक्षण मिला। अभी उनको लग रहा है ना कि ये आरक्षण से हमें कुछ लाभ हो जाएगा, लेकिन आप बताइए हमें कि जिनका वार्षिक आमदनी 8 लाख हो, 8 लाख प्लस हो, वो गरीब लोग हैं? वो तो गरीब लोग नहीं हैं। लेकिन गरीब नहीं है, लेकिन फिर गरीब नहीं है, लेकिन SC ST के लोग, OBC के लोग और जो जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है, सरकार के इस फैसले को स्वीकार कर रही है, वो खामोश क्यों हैं फिर? सरकार
सरकार के यहाँ जो गस्टेड और नॉन गस्टेड पोस्ट है उनकी भी वार्षिक आय 8 लाख पूरेगी कि नहीं पूरेगी यह देखना है। तो इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट के यहाँ गस्टेड है वो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब हैं। ये खामोशी क्या कर रही है? क्या खामोशी है? लोगों की खामोशी, एससी एसटी ओबीसी की खामोशी। ये खामोशी नहीं है, ये जो है मान लीजिए जैसे बच्चा रोता है, बच्चा को हम लोग झुनझुना दे देते हैं, ट्रॉफी दे देते हैं, फुसला लेते हैं, चुप करा देते हैं, तो बच्चा हम लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, खेलने लगता है। उसी तरह से ये लग रहा है कि विकास का काम तो कुछ हुआ नहीं। अब 5 साल होने वाली है, चुनाव में 1-2 महीना का समय बचा हुआ है, तो चाह रहे हैं कि ये आरक्षण के मुद्दा पर हम स्वर्ण वोट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले। उनको ऐसा अनुभव हुआ है कि स्वर्ण वोट जो है बीजेपी से टूटती हुई नज़र आ रही है, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आरक्षण हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये आरक्षण जो जिस तरह से इस आरक्षण को छेड़छाड़ किया जा रहा है ये समाज में एक विकृति फैला सकती है, और जो यह बीजेपी की सरकार आरक्षण को छेड़छाड़ कर रहा है उसको तो भला नहीं होने वाला है, साथ साथ गरीब गुरबा को आपसी मतभेद में बढ़ा के इसको तोड़ के बर्बाद कर देगा, और पूरे देश को जो है सो एक गृह युद्ध फैलाने का तौर तरीका ही अपना लिया है। आरक्षण का ऐलान किया गया उसके बाद से जो ओबीसी समाज है, एससी एसटी समाज है, वो खामोश है, तो क्या ये खामोशी बहुत कुछ कहती है? निश्चित बहुत कुछ कहती है, उसको आने वाला समय में 2019 में उसका जवाब मिल जाएगा। आरक्षण को जो छेड़छाड़ किया है वह जो खामोश है वह सिर्फ उसको वोट से जवाब दे देगा और उसको अपना औकात पता हो जाएगा। आरक्षण स्वर्ण जाति को दिया गया है तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? उसमें तो फिर गरीब जो है सवर्ण में भी उसको तो कुछ मिलेगा नहीं, जो 8 तलाक तक के दायरा वाले जो हैं वही लोग जो पैसे वाले लोग हैं ऊपर से ले लेंगे, नीचे गरीब तो फिर गरीब रह जाएगा, उसको तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसके बारे में कोई सोचता है क्या? ऐसा माना जा रहा था कि आरक्षण के जिस तरह से आरक्षण का ऐलान किया गया उसके बाद एक जो ओबीसी समाज है, एससी एसटी समाज है, उसमें उबाल आएगा और एक बड़ा मूवमेंट की आशंका थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोग खामोश हैं, तो ये खामोशी क्या कहती है? वो जो सबसे पहले एससी एसटी एक्ट को हटाया उसी समय अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया है, अब उस समय एक ही बार दिखाएगा 19 में, तो वो बता देगा अपने वोट के चोट से जो हमारा आरक्षण छीन रहा है, हमारा एससी एसटी एक्ट हटा रहा है, उससे उसको जवाब मिलेगा 19 में। औरंगाबाद से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरक्षण का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है स्वर्णों को, और भैया ठीक बोले कि जब संविधान में 50% आरक्षण का अधिकार है और जब 50 से कम और जब 50 से पार कर गए तो फिर जातिगत आधार पर जनगणना जो है उसको लागू करें, फिर पुनः जनगणना की बात कहां से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी करते हैं, ये छलावा है, और स्वर्ण इस पर बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो, उनके साथ छलावा हो रही है। और बात रही एससी एसटी के मौन का, तो ये आगे आने वाला चुनाव में यही मौन तूफान बन के उभरेगा और नरेंद्र मोदी को खात्मा करके रहेगा। यही मौन एक दिन तूफान बनेगा और लोग अपना वोट से जवाब देंगे, आप ये कह रहे हैं मोदी सरकार को बटन दबा करके जवाब देंगे मोदी सरकार को, और मोदी सरकार को ये स्वर्ण आरक्षण काफ़ी महंगा सौदा साबित होगा। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।